उत्तराखंड में आए आपदा को लेकर काशी में प्रार्थना हो रही है। जोशीमठ में हो रहे भूस्खलन को रोकने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। बटुकों ने हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रार्थना की। एक साथ 800 बटुकों ने 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। श्री काशी विद्यापीठ में प्रार्थना की गई है। जोशीमठ में आपदा से सैकड़ों परिवार प्रभावित है। जी गुरु जी, परिचय बता दीजिए। पंडित जी, आज किस प्रकार का आयोजन यह हुआ है? ये आयोजन क्या है, ये संकट निवारण के लिए आयोजन किया गया है। इस आयोजन का मूल है जो बद्रिका आश्रम के आसपास, और बद्रिका आश्रम स्वयं जो 2500 वर्ष पूर्व से स्थापित शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी ने जहाँ पे अनेकों प्रकार के भाष्य को लिखा, गीता पे भाष्य लिखा और अनेक प्रकार के कल्याणार्थ, जो संपूर्ण जगत के कल्याणार्थ भाष्य को लिखा, वह मंदिर हम लोगों के लिए, सनातनियों के लिए विशेष मंदिर है। और उस मंदिर के साथ साथ वहाँ के जितने उस मंदिर को जानकर लोग वहाँ पे अपना आवास बनाए थे, वो संपूर्ण जगह पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो रहा है। और क्षतिग्रस्त कह लें तो जमीन धस रही है, और जमीन लगभग 6 से 8 इंची दरारें हो गई हैं, और धीरे धीरे जमीन धस रहा है, भूस्खलन हो रहा है। उसका कारण मूल रूप से जो ये अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग ये बता रहे हैं कि जो गुफा बन रहा है, गुफा पहले बनाया, फिर काट के रोड को बहुत चौड़ी चौड़ी रोड बनाया, फिर उसके बाद जो डैम बनाया आसपास में जल को रोकने के लिए, उन जल के रोकने का डैम, गुफा और बड़ी रोडें, जो वाइब्रेटर मशीन, अनेक प्रकार के अत्याधुनिक उपकरण के चलने के कारण वहाँ पे वाइब्रेशन के कारण वो जमीन धंस रहा है, और वहाँ के जनमानस का जान माल और घर मकान, लोगों का जान भी खतरे में है। उसी निवारण के लिए, उस आपदा निवारण के लिए, और वहाँ के सरकार को भी इस पे सजग होना चाहिए, और तुरंत रक्षा हेतु जो बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक तत्व को लगाया जा सके उस पे कार्य करना चाहिए। और उसके साथ साथ ये जो अभी हम लोगों ने आपने प्रश्न किया कि ये हनुमान चालीसा पाठ क्यों हुआ, तो ये हनुमान चालीसा पाठ का मुख्य यही है कि संकट मिटे, सभी प्रकार के संकट का निवारण हनुमान जी करते हैं। तो निवारणार्थ हनुमान जी के चरणों में हम लोगों ने निवेदन किया कि जो बद्रिका आश्रम के आसपास और उन स्थानों पे जो भूस्खलन हो रहा है वो समाप्त हो। सरकार ने इस पे कोई अभी एक्शन लिया है कि नहीं? सरकार को हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज वर्तमान में ढेर सारे पत्र को भेज रहे हैं। वहाँ के अन्य प्रकार के लोगों से वार्ताएं हो रही हैं, आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अभी बड़े स्तर पे कोई कार्य नहीं हो पाया है। तो उस कार्य को भी सरकार को करना चाहिए। हम लोगों का यही प्रेरणा है कि सरकार इस पे तुरंत ले, क्योंकि बड़ा नुकसान जब हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। जी माता जी, परिचय बता दीजिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की शिष्य हूँ। आज किस प्रकार का आयोजन हो रहा है? आज यहाँ पर हम लोगों ने 11 हनुमान चालीसा का पाठ किया, क्योंकि हनुमान जी संकट मोचक हैं। तो हम लोगों ने उन्हीं से ये प्रार्थना की कि इस समय जो ज्योतिर्मठ क्षेत्र में विपत्ति आई हुई है, तो उस विपत्ति से पूरे ज्योतिर्मठ नगर की रक्षा हो, पूरे क्षेत्र की रक्षा हो, इसीलिए आध्यात्मिक उत्थान मंडल की ओर से आज ठीक है। जी अपना परिचय बता दीजिए। मैं एक समाज सेवी हूँ, जो कि इन्वायरमेंट पर भी कार्य करता हूँ। आज किस प्रकार का आयोजन यहाँ पर हुआ है? आज यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है 11 बार, और क्योंकि हनुमान जी जो है सब संकट मोचक हैं, और जो आपदा वहाँ पर आई है, आपदा एक लिए है तो मैन मेड, नेचुरल नहीं बोली जाएगी, जो नीचे वहाँ पे बहुत पहले से ही आगाह किया जा रहा था कि नीचे जो अंदर खुदाई कर रहे हैं, गुफा बना रहे हैं, या धारा को डाइवर्ट करने के लिए वहाँ तोड़फोड़ कर रहे हैं, बम ब्लास्ट कर रहे हैं, और दूसरा जो जोशीमठ पर रोड है वहाँ पे, क्योंकि मतलब डेवलपमेंट इरेगुलर हुआ है, क्योंकि कई मंजिला बिल्डिंग्स हैं, तो जो दबाव है वो लगातार लेकर के नीचे रहे। अभी जो स्थिति देख करके काफ़ी मन भयभीत है, और हनुमान जी से बस यही प्रार्थना है कि वो रोकें, और जो भी सरकारी प्रशासन या जो भी अपना व्यवस्था बना रहे हैं उसको रोकने के लिए साइंटिस्ट लगे हैं, एक्सपर्ट लगे हैं, वह भी कार्य करें, और साथ में हम लोग आस्थावान हैं, और हम लोग बस कि भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि वो भी उसमें कुछ करें, तभी वो रुक पाएगा, क्योंकि आपदा तो बहुत बड़ी है।